देख रहे हैं यूपी खबर। भारत एकता जन विकास मिशन भारत सरकार रजिस्ट्रेशन के तत्वाधान में आज तारीख 27 दिसंबर 2019 को ग्राम लटौनी के प्राइमरी पाठशाला लटौनी चौबेपुर में काशी के प्रख्यात शिक्षा विदित स्वशून्य पंक्शून्य विक्रमादित्य मित्र प्रवक्ता सनातन धर्म इंटर कॉलेज अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र के प्रखंड विधान विक्रमादित्य मित्र की तृत यह जयंती मनाई गयी। अपना परिचय दे देते। स्वतंत्र कुमार मिश्रा, भारत एकता जन विकास मिशन के जिला अध्यक्ष। स्वतंत्र, किस तरह का प्रोग्राम आज रखा गया? आज ये पंडित स्वर्गीय विक्रमादित्य मिश्र के तृतीय जयंती पर बच्चों को कंबल और गरीब बच्चों को प्राइमरी के, गरीब नहीं कहते हैं, मतलब जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के, उनको ये टिफिन दिया गया है। कितनी संख्या में दिया गया कंबल? 300 बच्चों को कंबल दिया गया है और 300 टिफिन दिया गया है। ये इसमें मुख्य अतिथि कौन कौन आए थे? मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुपम तिवारी थे और नीतीश रमेश, अरे सॉरी, इसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय थे। उन्होंने फ़ोन पे कहा कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि परेशानियाँ हैं, तो विजय शंकर पांडे और उसके बाद ये नीलू मिश्रा, तिलक राज कपूर। हाँ रोड, हाँ अपना परिचय। मैं डॉक्टर अनुपम तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली है और विगत 7 ईयर्स से 7 सालों से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चौका घाट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अनुपम, किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर था आज का? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। सचिन मिश्रा जी ने जो प्रोग्राम किया बहुत अच्छे से, वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल मैनेज प्रोग्राम था। ये हमेशा से ही समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और पिताजी की पुण्यतिथि में जो उन्होंने प्रोग्राम किया, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। बच्चों की काफ़ी मदद भी हो रही है, साथ में कंबल वितरण, जो कि इस समय इतनी भीषण सर्दी पड़ रही है, कंबल की आवश्यकता भी थी जाड़े के लिए, तो उन्होंने किया। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और प्लस सोशल सर्विस के कामों से हमेशा ये जुड़े रहे हैं, तो हमेशा से ही मैं इनका हेल्पफुल रहा। तो ये किस तरह का संदेश है? एक और दूसरे एनजीओ के लिए क्या संदेश है, किस तरह का? एनजीओ नहीं है ये, जो भारतीय एकता मिशन जो स्वतंत्र जी चला रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा पब्लिक सर्विस का काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं और नीडी लोगों को, गरीब लोगों को, ज़रूरतमंदों को मदद करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। इस तरह से लोगों को, और लोगों को हेल्प करनी चाहिए जितना अपनी कैपेसिटी में हो सकता है।